सोनिया गांधी के गुरु कही जाने वाले कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता और टीवी पर प्रवक्ता के तौर पर देखे जाने वाले आचार्य प्रमोद कृष्णम ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। एक तरफ समाजवादी पार्टी ने बयान दिया था कि बीएसपी अगर इंडिया गठबंधन में शामिल होगी तो हम इंडिया गठबंधन है वो छोड़ देंगे। इस बयान के सामने आने के बाद कांग्रेस पार्टी लगातार समाजवादी पार्टी पर हमलावर है। इंडिया गठबंधन को लेकर लगातार अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आ रही थी। इसी बीच आचार्य प्रमोद कृष्णम की तरफ से बयान बड़ा सामने आया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव किसी भी पार्टी के गठबंधन में शामिल नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने सुपारी ले दी है अखिलेश यादव जी को, हिंदुओं का एक भी वोट पड़ना बड़ा मुश्किल है। इंडिया गठबंधन का हिस्सा है अखिलेश यादव जी, वो किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं है, वो ईडी और सीबीआई से डर के ये अपना ढोल बजा रहे हैं और कुछ नहीं। उन्होंने जो बयान दिया वो आपने सुना, उन्होंने साफ कर दिया कि अखिलेश यादव किसी भी पार्टी के गठबंधन में नहीं है। अखिलेश यादव तो अकेले हैं, वो किसी के भी साथ नहीं है, इंडिया गठबंधन में भी शामिल नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य को अगर अखिलेश यादव ने नहीं रोका तो हिंदुओं का एक वोट भी नहीं मिलेगा। अखिलेश यादव, स्वामी प्रसाद मौर्य सहित सभी लोग मिलकर इंडिया गठबंधन को समाप्त करना चाहते हैं और अखिलेश यादव किसी भी गठबंधन में शामिल में नहीं है। तो कुल मिलाकर बात साफ है कि अभी भी इंडिया गठबंधन में क्या कुछ चल रहा है उसको लेकर साफ ये नजर आता हुआ। आगे आने वाले दिनों के अंदर ये साफ हो जाएगा कि इंडिया गठबंधन में आपस में एक साथ बैठेंगे या नहीं बैठेंगे, या इंडिया गठबंधन बीजेपी को रोकने के चक्कर में खुद ही आपस में बिखर जाएगा। ये आपको बता दें कि आने वाले दिनों के अंदर बिल्कुल स्पष्ट हो पाएगा। अखिलेश यादव लगातार जो बीएसपी का विरोध कर रहे हैं मीटिंग के अंदर, ममता बनर्जी अरविंद केजरीवाल लगातार आपको बता दें कि राहुल गांधी का नेता नहीं बनना चाहते। बिहार के अंदर नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव दो प्रधानमंत्री बनने की तैयारी में जुटे हुए। ऐसे में कुल मिलाकर इंडिया गठबंधन का अभी हाल फिलहाल की स्थिति में कोई भी आधार है वो नजर नहीं आ रहा, लेकिन आगे आने वाले दिनों के अंदर ये क्या होगा, किस तरीके से होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। कितनी रैलियां इंडिया गठबंधन की तरफ से पूरे देश भर में की जाती है।